ईगल अटैक्स वॉरथॉग। लिजर्ड जैसे जानवर को अपना शिकार बनाने वाला ईगल जंगल के दूसरे जानवरों का भी कुछ ऐसा ही हाल करता है। जैसे इस जगह पर हमें एक वॉरथॉग नजर आ रही है जो अपने बच्चों के साथ जंगल में मौजूद सड़क को पार कर रही है, लेकिन लगता है इनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ है, क्योंकि तभी यहाँ एक ईगल आ पहुँचता है और इन वॉरथॉग पर हमला बोल देता है। उसका हमला इतना अचानक था कि वॉरथॉग को भी कुछ समझ नहीं आता और वे सभी वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन इस भाग दौड़ के बीच वॉरथॉग का एक बच्चा इस हैवान का शिकार बन जाता है। अब बच्चा खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ईगल की ताकत के आगे उसकी एक नहीं चलती। हालांकि इसके बाद वो वॉरथॉग फिर से वहाँ से निकलती है, लेकिन तब ईगल पास के एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वो वॉरथॉग के जाते ही फिर से अपने शिकार के पास चला जाता है, जिसके बाद ईगल उस बच्चे को घसीटता हुआ अपने साथ लेकर रफू चक्कर हो जाता है। हॉक अटैक्स स्नेक। ईगल की तरह ही बाज भी एक ऐसा शिकारी पक्षी है जिसे सभी लोग आसमान में मंडराती मौत मानते हैं। ये इतना खतरनाक है कि इसके शिकारी से देखते ही भागने लगते हैं, क्योंकि वे भी जानते हैं कि अगर इनका सामना बाज से हो गया तो फिर इनकी मौत तो पक्की है। जैसे यहाँ एक बाज की नजर जैसे ही जमीन पर मौजूद एक सांप पर पड़ती है तो वो तुरंत ही उसे अपना शिकार बनाने के इरादे से उसके पास पहुँच जाता है। बाज को अपने सामने देखकर एक पल के लिए तो सांप भी बौखला जाता है, लेकिन यहाँ से भागने की बजाय वो उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। अब जहाँ एक तरफ बाज अपने पंखों को फैलाकर उसे डराने लगता है, तो वहीं सांप बाज पर ही हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि उसकी ये कोशिश अच्छी है, लेकिन बाज अगले ही पल अपने पंजों से उसके मुंह को कुचलता है और साथ में अपनी चोट से उसका मुंह भी नोच डालता है। बेचारे सांप ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी मौत इतनी दर्दनाक होगी। हॉक अटैक्स बेबी बर्ड। सांप पर बाज का हमला देखकर आपको ये बात तो समझ आ ही गई होगी कि ये शिकारी पक्षी किसी भी जानवर से पंगा ले सकता है, लेकिन अगर आपके मन में इसकी दरिंदगी को लेकर कोई सवाल बाकी है तो ये वीडियो आपके उस सवाल का भी जवाब दे देगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक बाज की पैनी नजर चिड़िया के घोंसलों पर पड़ चुकी है। इस बाज की नजरें इतनी तेज हैं कि इसने चिड़िया के घोंसलों में बैठे उन बच्चों को भी देख लिया है, जो आपको और हमें तो साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। खैर, वीडियो के बारे में बात करें तो बाज पहले तो इन घोंसलों के सहारे खुद के पांव इस जगह पर जमा लेता है और फिर तुरंत ही इनमें से बच्चों को निकालने की कोशिश में भिड़ जाता है। इधर कुछ ही देर में उसकी कोशिश रंग लाती है और वो घोंसले में से एक बच्चे को निकालने में कामयाब हो जाता है। अब बाज अपने पंजों से उस बच्चे को पकड़ता है और अपनी चोंच से उसे नोच कर खाने लगता है। बर्ड अटैक्स स्नेक। जब कभी हमारे सामने किसी चिड़िया का जिक्र होता है तो हमारी आंखों में एक प्यारे से पक्षी की छवि बनती है जो डालियों पर उछलती और चहचहाती रहती है, लेकिन असलियत में कई बार इन चिड़ियों का कुछ ऐसा रूप हमारे सामने आ जाता है जो इन्हें शिकारियों की लिस्ट में डाल देता है। जैसे अब आप इस सुंदर चिड़िया को ही देख लीजिए। इसका रूप देखकर कोई सपने में भी नहीं सोच सकता होगा कि ये इतनी भयावह हो सकती है। ये चिड़िया एक सांप के साथ यहाँ मौजूद है और इसके शरीर को नोचने में लगी हुई है। दरअसल ये सांप पहले से ही घायल नजर आ रहा है और ये चिड़िया उसके इसी घाव से मांस को नोचने में लगी हुई है। हालांकि इधर सांप भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन लगता है चिड़िया इसे छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो जैसे ही आगे बढ़ने लगता है चिड़िया उसे फिर से नोचने लगती है। ये मंजर काफी देर तक ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन बेचारा सांप वहाँ से आगे नहीं जा पाता और चिड़िया ऐसे ही अपना पेट भरती रहती है। फैल्कन अटैक्स डॉग। फैल्कन पक्षी भी शिकारी पक्षियों की लिस्ट में टॉप पर आता है, क्योंकि इसका शिकार करने के तरीके से लेकर शिकार को नोच खाने का अंदाज इसे सबसे खतरनाक पक्षियों में से एक बनाता है। ये शिकारी अपने से छोटे पक्षियों और जानवरों को तो अपना शिकार बनाता ही है, लेकिन साथ ही बड़े जानवरों पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटता। जैसे इस जगह एक फैल्कन ने एक पक्षी को अपना शिकार बनाया हुआ है और उसे नोचने में लगा हुआ है। उसके पंजे अपने शिकार पर मजबूती से जमे हुए हैं, तो वहीं उसकी चोंच शिकार का मांस नोचने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन यहाँ इन दोनों के अलावा एक कुत्ता भी मौजूद है जो इस शिकार पर अपने दांत भी कड़ाने के लिए बेताब है, लेकिन ये बात फैल्कन को पसंद नहीं आती और वो तुरंत ही कुत्ते पर हमला बोल देता है। उसका हमला इतना खतरनाक होता है कि बेचारा कुत्ता भी अपनी जान बचाकर भागने लगता है। अब कुत्ते को उसकी औकात दिखाने के बाद फैल्कन फिर अपने शिकार के पास जाकर उसे खाने लगता है। हॉक अटैक्स पिजियन। आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से आपके लिए बाज का एक ऐसा हमला लेकर आए हैं जिसे देखने के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि जंगल में इससे बड़ा हैवान कोई नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको इस क्लिप को देखने के बाद खुद ही पता चल जाएगा। इस जगह पर हम देख रहे हैं कि एक खूंखार बाज ने अपने पंजों में एक कबूतर को जकड़ा हुआ है। कबूतर के शरीर पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि बेचारा कबूतर दर्द के मारे तड़प रहा है। हालांकि कबूतर भी खुद को आजाद करवाने की कोशिशों में लगा हुआ है, लेकिन शायद वो इस बात से अनजान है कि बाज की पकड़ से निकल पाना कितना मुश्किल है। यहाँ कबूतर बार बार अपने शरीर को हिलाता है, लेकिन बाज उसकी हर कोशिश के साथ अपनी पकड़ को और भी मजबूत कर देता है। काफी देर के बाद वो लम्हा भी आ जाता है जब बाज उसे पकड़ने के साथ ही अपनी चोंच से उस पर हमला भी करने लगता है। वो धीरे धीरे करके कबूतर के शरीर को नोचने लगता है
ताकि जल्दी से जल्दी उसके मांस को खाकर अपना पेट भर सके। ईगल अटैक्स स्नेक। यहाँ एक तरफ जहाँ एक विशाल ईगल अपनी उड़ान पर निकल चुका है ताकि जैसे ही उसे कोई शिकार दिखाई दे वैसे ही ये उस पर लपक पड़े, तो वहीं दूसरी तरफ पानी में रहने वाला एक सांप समुद्र में बड़े ही आराम से घूम रहा है, क्योंकि इसे शायद इस बात की भनक भी नहीं है कि आसमान में एक मौत घूम रही है जो इस पर कभी भी हमला कर सकती है। इधर कुछ देर में जब सांप को खुली हवा की जरूरत होती है तो उसे पानी से बाहर आना पड़ता है, लेकिन इसी दौरान शिकार की फिराक में बैठा ईगल भी उस पर हमला बोल देता है और एक ही पल में उस सांप को अपने पंजों में भर लेता है। बेचारे सांप को तो ये समझने का भी वक्त नहीं मिलता कि उसके साथ क्या हुआ है और वो बेचारा मौत के पंजों में समा जाता है। हालांकि सांप भी खुद को बचाने की कोशिश करता है लेकिन ईगल उसे छोड़ने को राजी नहीं होता। अब ईगल उस सांप को लेकर अपने बच्चों के पास पहुंच जाता है जहां उस सांप को मारकर वे सभी मिलकर अपने खाने का मजा लेने में लग जाते हैं। ईगल अटैक्स ग्रिजली बेयर। आज के इस आखिरी वीडियो में हम आपके सामने एक बॉल्ड ईगल को लेकर आए हैं जो अपने शिकार को बेरहमी से अंजाम देने के लिए जाना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर एक बार बॉल्ड ईगल अपने शिकार को देख ले तो फिर उसे मार कर ही दम लेता है, लेकिन हम इस वीडियो में इसका शिकार नहीं बल्कि आपको इसकी हिम्मत दिखाने वाले हैं, क्योंकि यहां इसका हमला भी किसी छोटे जानवर पर नहीं हो रहा है। इस जंगल में एक भालू नदी किनारे से टहलता हुआ कहीं चला जा रहा है। वह अपनी मस्ती में मस्त है और इसके साथ ही इस बात से भी पूरी तरह से बेखबर है कि कोई पक्षी भी उस पर हमला कर सकता है। लेकिन जैसे ही अब ये भालू नदी से थोड़ा दूर होता है और एक पहाड़ी पर चढ़ने लगता है तभी एक ईगल अपनी पूरी रफ्तार के साथ उसके सिर पर हमला बोल देता है। उसका हमला इतना अचानक था कि भालू को इसकी भनक भी नहीं लग पाती और ईगल वहां से फरार भी हो जाता है। अब तो आप ये बात समझ ही सकते हैं कि जो पक्षी भालू जैसे खतरनाक शिकारी पर हमला कर सकता है वो छोटे जानवरों का क्या हाल करता होगा। वैसे आपको इन सभी पक्षियों में से किसका हमला सबसे आक्रामक और खतरनाक लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर